सलीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने सेल फोन्स पर लाइव विद मोना यकीनन देख रहे होंगे। कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त जो सर्दी की एक लहर आ चुकी है, मौसम चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो भी चल रहा है, इसके साथ साथ जो कोविड है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पर पहुँच चुका है। तो मैं सोचा आज एक यखनी बनाई जाए, बहुत स्पेशल सी यखनी है जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी जिन लोगों को भी है उसके मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, और जिन लोगों को नहीं है माशाल्लाह सेहतमंद सेहतियाब हैं वो इसको प्रिकॉशन के तौर पर ज़रूर। यखनी के फ़ायदे तो आप सबको मालूम ही होंगे कि इससे गले और सीने की कितनी अच्छी तरह से सिकाई हो जाती है और गर्माई मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी अपनी शेयर करते हैं आपके साथ कि हम किस तरह से इतनी स्पेशल सी यखनी बनाएंगे जो कि इस सर्दी के मौसम में बहुत ही आपको मज़ेदार सा मज़ा देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और ये जो आप मेरी ज़बरदस्त सी माला देख रहे हैं, ये मार्बल की बनी हुई है और ये मैंने अनु कलेक्शन का एक पेज है FB पर, उनसे मंगवाई है और बहुत जल्द मैंने उनसे सूट भी मंगवाए हैं दो तीन, तो बहुत जल्द मैं उनका रिव्यू भी आपको देने वाली हूँ अनु कलेक्शन का। आप भी उनके पेज का विज़िट करें उनके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं रेसिपी शुरू करूँगी। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी, और चिकन में मैंने 2 चिकन टिक्के लिए हैं, 1 लेग पीस लिया है और 1 ब्रेस्ट पीस। आपने भी इसी तरीके से 2 बड़े पीस लेने हैं चिकन के, और बस अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे थोड़ी सी देर, 3 से 4 मिनट बस लहसुन अदरक के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। सो दोस्तों, चिकन मेरी अच्छी तरह तली जा चुकी है, मैं तल चुकी हूँ, और अब मैं उसमें ये गरम मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले ये मैंने 7 से 8 जो है लौंगे ली हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें ली हैं, 3 से 4 मैंने दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची हैं और 3 जो है छोटी इलायची हैं, जिसे आप सब्ज़ इलायची भी कह सकते हैं। चिकन जो मेरी फ्राई हो रही है उसके साथ ही मैं ये सारे गरम मसाले इस वक्त इस स्टेज पर ऐड कर दूँगी चिकन में। ये देखे, ये अच्छी तरह से चिकन गरम मसालों के साथ थोड़ी सी फ्राई हो रही है। अब बस इस वक्त मैं इसमें सबसे पहले 1 जग पानी ऐड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसे 3 जग पानी के मैं चिकन में शामिल करूँगी यखनी बनने के लिए। तो दोस्तों, मैंने 3 जग जो है यखनी में पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, 1 बड़ी प्याज थी जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और प्याज के साथ ही हम इसमें ये कुछ हरी मिर्चें हैं जो 4 से 5 अदद हैं, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, जब तक यखनी में उबाल आ रहा है हम इसका मज़ीद काम कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें इसको बॉयल के बाद डालनी है। ये प्याली में मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून और साबुत धनिया लिया है मैंने 3 टीस्पून लिया है, 3 टीस्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें सौंफ भी ली है भर के 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सौंफ लिया है। ये 3 चीज़ें जो हैं मैंने इसमें ली हैं, और मैं अब इसको बहुत थोड़ा कुटा हुआ सा कर लूँगी, यानी दरदरा जो होता है वो करूँगी। अब ये देखें दोस्तों, ये इतना मोटा मोटा दरदरा सा है, कुटा कुटा सा, इस कुटे कुटे मसाले को जो है मैं यखनी में शामिल करूँगी जब इसमें उबाल आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखें, अब ये बॉयल आना इसमें शुरू हो गया है ये, तो अब मैं इसमें जो जितना भी मैंने मसाला मोटा मोटा कूटा था, अब मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर दूँगी, सारा मसाला जाएगा इसमें। इसमें साबुत धनिया था, सफ़ेद ज़ीरा था और जो है सौंफ थी, ये सब मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं ये जो अजवाइन है ये बस इतना सा, ये इतना क्वांटिटी समझिए चुटकी के बराबर अजवाइन है, ये इसमें ऐड कर दूंगी।
और अजवाइन का डालने का मकसद ही यही है कि यखनी का मकसद ही असल में गरमाई है, हलक को सीने को गरमाई मिले, सिकाई हो जाए। तो ये अजवाइन की तासीर भी बहुत गर्म ही होती है, तो इसको चुटकी भर डालेंगे और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इसमें यखनी में। और दोस्तों इसके साथ ही मैं ये आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी, ये भी आपने ज़रूर ऐड करनी है। और हल्दी के साथ ही मैं ये 2 टीस्पून जो है इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि नमक मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी, पहले मैं सारे मसाले इस डाल रही हूँ। और चिकन पाउडर इधर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, और इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो चखने के बाद नमक फिर दोबारा से भी ऐड करेंगे। हम सब चीज़ों को खूब अच्छी से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। इस वक्त ये हाई फ्लेम था, अब मैं दम पे कर दूंगी। और ये दम पे आराम से 30-40 मिनट तक ये पकती रहेगी। इसके बाद सो फ्रेंड्स, जब तक हमारी यखनी बन रही है, हमने लिया है एक पैन। और ये आपको मेरी छोटी सी हानिया की आवाज़ें आ रही होंगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बच्चे होते हैं तो इस तरह भी चलता है। तो मैंने लिया पैन, उसमें भरा पानी और उसमें 4 अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, ठीक है, अंडे बॉयल करने ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। अब इधर हम ज़रा यखनी को भी चेक कर लेते हैं, हमारी यखनी कहाँ तक पहुँची है दोस्तों। ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी यखनी बन रही है। बस अब इस वक्त हम इसमें यखनी में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आप 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर ले लें, वो ऐड कर दें। सो फ्रेंड्स, सी माई लिटिल हानिया जो कि किचन में मेरे साथ साथ होती है, वो कि अच्छी बात नहीं है बच्चों को किचन में आना या बिठाना, लेकिन समटाइम्स चलता है, लेकिन मैं केयर के साथ ही बिठाती हूँ, देखती रहती हूँ। हानिया से हाय टू माय फ्रेंड्स। के भाई हानि का बिल्कुल भी मूड नहीं है हाय वाई कहने का। नो हाय शाय से बाय। ओके भाई बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके से बाय से टाटा। ओके नहीं भाई कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स देखें अब ये यखनी, ओहो क्या भाप निकली है, हमारी तैयार हो चुकी है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको छानूंगी, छान के फिर मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरी जो चिकन यखनी है ये तैयार हो चुकी है, और मैंने इसको किस तरीके से सर्व किया मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग सिर्फ यखनी पसंद करते हैं, तो उनके लिए आप इस तरह अलग से यखनी भी रख सकते हैं और अलग से बॉयल एग्स और चिकन श्रेड करके, जो यखनी की चिकन थी उसको श्रेड करके आप रख सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ यखनी में चिकन पसंद करते हैं, तो आप चिकन की इस तरह बोटियाँ मोटी मोटी करके इस तरह भी दे सकते हैं, इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। बहुत से लोग यखनी में अंडा, बॉयल अंडा और चिकन दोनों एक साथ ही पसंद करते हैं, यानी यखनी में ही डाल लेते हैं, तो आप उसके साथ ये अंडा और चिकन भी एक साथ डाल के सर्व कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर और नमक आपको साथ ही रखना है, क्योंकि लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हर एक को ब्लैक पेपर ऊपर से ज़्यादा पसंद नहीं होता और किसी को बहुत पसंद होता है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो इस तरीके से लोग दोनों डाल सकते हैं। और साथ में आप ये देख रहे होंगे चाइनीज़ राइस हैं, और ये चिकन जल फ्रेजी है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। सो जिन लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करा तो मुझे उन्होंने ये भिजवाया है, एक फैमिली ने इसको ट्राई करने के लिए कि मैं इसको अब ट्राई करके बताऊँ ये कैसी बनी है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे भिजवाया, यकीनन उन्होंने बनाई होगी तो अच्छी ही बनाई होगी। सो फ्रेंड्स अब आप ये यखनी मेरी देखें और इसकी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, सर्दियों का मौसम है तो आपको ये बहुत ही मज़ा देगी। चलें अब इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ दोबारा से मिलूँगी।
इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दुआओं में याद रखिएगा और लाइफ विद मुना को एंजॉय करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।